वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 वाला क्वेश्चन सभी बुक में देखेंगे, मैं बोल रहा हूं इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स इन जो भी एक वर्ड लिखा हुआ डू विल द 4 आई नॉट कम टुगेदर। ओके, यानी कि चारों जो आई है वो एक साथ नहीं होनी चाहिए, यानी कि कितने क्रमचे बन सकते हैं जो आपके पास वर्ड दिया हुआ शब्द दिया हुआ है उसमें चारों आई साथ साथ नहीं आनी चाहिए, चारों आई साथ साथ नहीं आना आनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी आपके पास। आपको देखिए, आपको दिया हुआ है गिवन वर्ड आपके पास एम आई डबल एस। देखिए मेरे को पता नहीं कौन सा वर्ड आ गया दुनिया का, एम आई डबल एस आई फिर डबल एस आई डबल एस आई फिर आगे है डबल पी और फिर से आई। ठीक है, ये आपके पास कोई लेटर है बहुत ही खतरनाक सा। ठीक है, हाँ अब देखिए इसमें आपको ये बताना है कि चारों आई एक साथ नहीं आने चाहिए, उसके कितने वर्ड्स बना सकते हो, अलग अलग आने चाहिए। टुगेदर का मतलब होता है नॉट टुगेदर बोला सर। हाँ अरे कैमरा कैमरा आपके पास ये वर्ड है, अगर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बोलता कि आई कैसे आनी चाहिए कैसे नहीं आनी चाहिए, आई किस तरीके का आना चाहिए किस तरीके का नहीं आना चाहिए, तो क्या आंसर होगा इसका, देखिए वो बात करते हैं पहले। कि आई के बारे में कुछ भी नहीं बोलता, एस के बारे में कुछ भी नहीं बोलता हूं कि आप कितने वर्ड्स बना सकते हो कितने शब्द बना सकते हो, बात समझ में आ रही है। पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी टोटल लेटर्स टोटल अक्षर कितने हैं 11, तो उसका होता है फैक्टोरियल 11। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर, इसमें सेम भी तो आ रहे हैं और जो सेम आते हैं उससे क्या करते हैं डिवाइड कर रहे हैं। m कितनी बार आ रहा है, एक बार, वो रिपीट नहीं हो रहा है। i कितनी बार आ रहा है, 4 बार। एक दो तीन चार, ये चार बार। अब एक दो तीन चार, एस कितनी बार है, वो भी चार बार। पी कितनी बार आ रहा है, वो दो बार आ रहा है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं बोलता, आपको सिंपल ये बोलता कि सभी लेटर्स को सभी अक्षरों को साथ में लेते हुए कितने परम्यूटेशन या फिर कितने क्रमचे या फिर कितने शब्द यानी कितने वर्ड्स बना सकते हो, बात वो एक ही होगी। आंसर इज दिस, देखो वो ऐसे बोल रहा है कि सर इसमें चारों आई साथ साथ नहीं होने चाहिए, नॉट कम्स टुगेदर है ना, इनकी साथ साथ नहीं आनी चाहिए। तो इसमें कैसे करेंगे, देखिए मैं क्या करता हूं, मेरे को टोटल तो पता है, टोटल मेरे को पता है कि फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 4 इनटू फैक्टोरियल 4 इनटू फैक्टोरियल 2 ये आने वाला है। लेकिन मैं वो करता हूं जिसमें चारों आई साथ साथ आएंगे, क्या करता हूं, चारों आई साथ साथ। देखिए आपने कभी पढ़ा होगा, अगर मान लीजिए किसी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो हारने की कितनी होगी, 1 में से माइनस करते थे यार, तो आप लोगों को p ऑफ e y करते थे, आप लोग 1 में से माइनस करते थे, ऐसे करते थे यार, तो p ऑफ a बार बराबर 1 माइनस p ऑफ e। देखिए एक और है इसमें लॉजिक, वो क्या है कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, इसमें 20 रुपए खर्च हो गए, कितने बचे, 80 बचे, तो क्या किया आपने 100 माइनस जो खर्च हुए वो माइनस कर दिए, बात समझ में आ रही है। मान लीजिए आपके पास 60 रुपए है, 40 खर्च हो गए, कितने बचे, 60 में से 40 को माइनस करके 20 आ गए। अगर मेरे पास कुल कितने वर्ड्स बनेंगे, अगर मैं टोटल में से जिसमें चारों आई साथ साथ आते हैं वो माइनस कर दूं, आपको वो क्या करना है, वो कैलकुलेट करना है जिसमें चारों आई साथ साथ नहीं आने चाहिए। अगर मैं टोटल में से वो माइनस कर दूं जिसमें चारों आई साथ साथ आए, अरे जब साथ साथ आए आई अगर टोटल में से माइनस कर दूं तो क्या आएंगे,
वो आएंगे वर्ड्स जिसमें चारों आई साथ साथ नहीं आएंगे। क्या इतनी बात समझ में आई नहीं है? अगर टोटल में से वो वर्ड्स माइनस कर दूं जिसमें चारों आई साथ साथ आते हैं तो वो आंसर आ जाएगा जिसमें चारों आई साथ साथ नहीं आते हैं। एक बार यस और नो में कमेंट करो ये वाली बात समझ में आई नहीं है। आंसर नहीं आया बेटा इस पे। यस गजानन और आगे सलोनी और दोकी आंसर मतलब दोकी समझ में आया और कहां गए नींद आ गई। आनंद और टोटल में से वो माइनस करेंगे जिसमें चारों आई साथ साथ आ रहे हैं तो अपने पास वो आंसर आ जाएगा जिसमें चारों आई साथ साथ नहीं आएंगे। देखिए तो सबसे पहले क्या बोलेंगे टोटल लेटर्स। लेटर्स को हिंदी में बोलते हैं कुल अक्षर। वो तो कितने हो गए अपने पास 11। अब इसमें एस कितनी बार आ रहा है 4 बार आ रहा है। आई कितनी बार आ रहा है 4 बार आ रहा है। पी कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है। टोटल वर्ड्स कितने आएंगे टोटल परम्यूटेशन की बात करें अपन या फिर कुल क्रमजी की बात करें अपन। परम्यूटेशन का मतलब वर्ड्स कितने बनेंगे शब्द कितने बनेंगे। कितना आएगा फैक्टोरियल 11 अपॉन कितना आएगा फैक्टोरियल 4 इनटू फैक्टोरियल 4 इनटू फैक्टोरियल इसको अपन इतना रखेंगे। अब अपन वो परम्यूटेशन काउंट करेंगे जिसमें चारों आई साथ साथ आते हैं। अपन ऐसे बोलेंगे बच्चों टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इफ 4i कम्स टुगेदर। इसको हिंदी में लिख रहा हूं मैं हिंदी में लिखते हैं इसको चारों आई साथ साथ आने के कुल क्रमचे। हिंदी में इसको ये लिखते हैं बच्चों क्या आएगा वो देखिए। ये खतरनाक चीज हो गई है वो कैसे करें देखिए मैं आपको समझाऊंगा। इस आधा मैथड को आपने अपना लिया तो आपका काम हो जाएगा। मान लो ये आई आ गया और ये आई आ गया। बात समझ में आई कि चारों आई क्या है हट गया है इसमें मैं काम करता हूं। ये मैंने बॉक्स बना दिया है 1 2 3 4 5 6 7। अब मेरे चारों आई यहाँ आएंगे कहाँ आएंगे यहाँ 1 2 3 4 चारों आई साथ। अब मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 और बच गए। चेक करो 7 ही बचे। अब क्या करेंगे सर आपने इन चारों को क्या कर दिया साथ साथ रख दिया लेकिन ये दिखने में एक जैसे हैं। अगर इस आई को मैं यहाँ इसको यहाँ रखते कोई फर्क पड़ेगा इस आई को मैं यहाँ रख दूँ इसको यहाँ रख दूँ कोई फर्क पड़ेगा कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि आप इसको कहीं पे भी लिख दो चारों को एक साथ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि इसका एक ही तरीका होगा ये फिक्स हो गया है कि इसका एक ही तरीका होगा। किसका इन आई को ऊपर नीचे करने के आगे पीछे करने के आई का एक ही तरीका होगा। इनको उल्टा सुलटा करने पर एक ही तरीका होगा। यानी कि मैं क्या कर लेता हूं इसको एक मान लो पूरे को एक बोलो तो सही चाहिए यहां पे आएगा चारों तो भी एक ही होगा यहां पे आएगा तो भी यहां पे आएगा यहां पे आएगा चारों एक साथ आएंगे यहाँ पे भी आएंगे तो भी चारों एक साथ आएंगे यहाँ पे भी। यानी कि इसको पूरे को मैं एक ही मान लू
मान सकता हूं। अब कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7, और इसको प्रेम क्या मान लिया मैंने, एक मान लिया, तो बताओ कितने हुए टोटल, की बात कर रहे थे 8 हो गए। क्यों, क्योंकि अपने को इसको क्या मानना पड़ेगा, एक मानना पड़ेगा, कंसीडर वन, एक कंसीडर करना पड़ेगा इसको, अपने हिसाब से कॉपी में लिख लेना, इसको एक कंसीडर करते हैं। अगर मान लो ऐसे होता, मान लीजिए ऐसे होता A E I O U, वोवेल सारे, और पांचों सवर को, पांचों वोवेल्स को एक साथ लिखना है, तो आपको मैं एक बात बताऊं, इसको पूरे को तो आप एक ही मानोगे, देखना इस पूरे को तो एक ही मानोगे, लेकिन एक प्रॉब्लम होने वाली है। प्रॉब्लम क्या होने वाली है, अगर ऐसा भी तो हो सकता है सर, E को यहाँ रख दो, E को यहाँ भी तो रख सकते, वहां पे चेंज हो जाएगा मामला। क्यों, क्योंकि सर लेटर्स क्या है, अलग अलग है। अरे मान लो 7 पूरे होते, 5 ये होते, आप इस बॉक्स को पूरे को एक मानते, वो तो 8 सही है, लेकिन जो भी आता नीचे आता, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या होने वाली है, वो क्या सर, इनका भी तो ऑर्डर चेंज कर सकते हो, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, 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 कितने तरीके होंगे इसके, पांच लेटर्स है, पांच को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, पांच नहीं होंगे, फैक्टोरियल पांच होंगे, पांच कैसे होंगे, अरे पांच लेटर्स को एक साथ बनाने के टोटल पांच होते हैं, अकल तो बताया था, अगर मैथमेटिक्स में कितने होते हैं, मान लो मैथ्स आपके पास है, जयपुर के 6 थे उसमें, तो 6 का कितना हुआ था, फैक्टोरियल 6 हुआ था, तो यहां पे कितने हैं, 5, इसलिए फैक्टोरियल 5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इनका ऑर्डर कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं, आएंगे तो 5 में एक ही था, लेकिन उल्टे सुलटे भी तो हो सकते हैं। लेकिन सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें सारी क्या है, सेम है। अब सर यहाँ पे आपने फैक्टोरियल 4 क्यों नहीं लिखा, अरे मैं लिख तो दूंगा, लेकिन क्या चारों सेम है, क्या सेम का क्या करना पड़ता है, अरे डिवाइड करना पड़ेगा, क्या क्या कटेगा, कितना आया, एक, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर मान लो ऐसे होता आई आई ए, तो बताओ इनके क्या होते, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 करना पड़ता, अब बिल्कुल बैठ गई होगी पार्टी बढ़िया वाली, तो यहाँ पे इसकी बात करें अपन, है तो अपने पास चारों आई क्या है, सेम है, यानी कि आई 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 आई, ठीक है, तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 8, अब लिख लो बाकी को, एम आई एस एस आई भी लिखेंगे, आई तो नहीं लिखेंगे ना, आई नहीं लिखेंगे, एम एस 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 पी पी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अपॉन 1 2 3 4 डिवाइड करना पड़ेगा, 1 2 डिवाइड करना पड़ेगा, अब इसका क्या तरीका होगा, इसका आप ऐसे कर सकते हो, फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 लिख सकते हो, ये क्या चीज है, इन आई का अगर ऑर्डर चेंज कर दोगे आप, तो फैक्टोरियल 4 होता है, लेकिन चारों ही क्या है, सेम है, इसलिए डिवाइड आ गया, अब बैठ गई होगी कांटी, ये इस चीज का है, ये चीज इस चीज की है, ऐसे अपने हिसाब से कॉपी में बना सकते हो, समझने के हिसाब से बताया मैंने ये चीज, जब मैं एग्जाम में ऐसे मत बनाना, लेकिन मैंने समझने के हिसाब से ये चीज लिखाई है। अब इसका क्या हो जाएगा, कितना हो गया, फैक्टोरियल 8 अपॉन 4 इनटू फैक्टोरियल 2, ये तो 1 हो जाएगा। अब आपको करना क्या था, लास्ट में क्या लिखेंगे बता सकते हो आप लोग, आपको लिखना है टोटल परमुटेशंस 4 i are not come together, हिंदी में क्या लिखेंगे लिख सकते हो क्या, चारों आई एक साथ नहीं आने के, कुल कर्मचे आने के, कुल कर्मचे कितना हो जाएगा, आपको कितना हो जाएगा, इस टोटल में से ये वाला क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो मैं यहां कर देता हूं बच्चों माइनस,
चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जो बच्चे नोट करना चाहते हैं नोट कर लो। ये चीज अब के लिए रुकी है सर, ऐसा क्योंकि आपने वन पे लिखा क्योंकि सेम है तो आर्टिकल 4 अपॉन 4 कर दिया मैंने, चार ऊपर पे लिखा क्योंकि चार लेटर्स थे, नीचे चार से डिवाइड किए चारों सेम है। एंड होना चाहिए, पीसी स्टार्ट
एस के क्या हो एड हो, ये लो पी स्टार्ट कर दिया, एस पे एड कर दिया, राष्ट्रपति बैठ गया यहाँ पे, यहाँ पे राष्ट्रपति बैठ गया, प्रेसिडेंट बैठ गया, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बैठ गया। अब कितने बच गए जो ढिलदून को, एक दो तीन चार पाँच छह सात, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह है दो बनाते दस बनानी पड़ेगी, दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस, फिक्स हो गया। जो फिक्स होता है उसका एक ही तरीका होता है, स्टार्ट करना यहां से। अगर वो ऐसे बोलता कि पी और एस को दोनों एंड पे बैठाना है, एंड का मतलब एस यहां भी आ सकता है और पी यहां भी जा सकता है, तो वो दो तरीके हो जाते, कैलकुलेटर हो जाता। लेकिन स्टार्ट में किसको बैठाना, पी को यही बैठेगा, यहां नहीं जाएगा, दूसरा एंड पे नहीं जाएगा, एस यही बैठेगा, ये यहां नहीं जाएगा। अब जो बच गए उनको लिख लो, ई R F U T A P I O L। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, टोटल वर्ड्स बता रहे हैं आपको, मेनी वेज कितने तरीके होंगे, ठीक है, टोटल वेज बताइए कितने होंगे, पहले में जा टोटल वेज इफ start with P and end with S। हिंदी में क्या लिखेंगे बता सकते हो आप लोग, क्या बोलेंगे, कुल सात यदि पी से आरंभ, पी से आरंभ व एस, एस से अंत, तो बताओ क्या आएगा इसका। ये तो फिक्स हो गए, इनका तो कोई मतलब नहीं है, वाली तो वाली होगा इनका तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फैक्टोरियल 10। अब 7 कितने आ रहे हैं इसमें, सोल्व कैसे करेंगे इसको, 10 9 8 7 6 ये तो 5 9 8 7 720, सोल्व करने के बाद 4556 720, बहुत ही जल्दी आंसर आएगा इसका, क्या आंसर आ रहा है मैं चेक कर लेता हूं एक बार। नंबर टू इसका सेकंड पार्ट है, और जो सेकंड पार्ट है बच्चों वो क्या है, वोवेल्स आर ऑल टुगेदर, सारे वोवेल्स क्या होने चाहिए एक साथ होने चाहिए, सारे समझ अरे अरे अरे, तो क्या कहते हैं वोवेल्स को अलग निकाल लो, चाहे शुरू में लिख लो बाद में लिख लो, बोलो वोवेल्स क्या है, ई यू ए भी है क्या, ए आई, सारे आ गए तो, अरे सारे आ गए तो इनको ऐसे लिख लो, ए आई ओ यू, ये तो ऐसे बोलते कि हम तो एक साथ रहेंगे, ए ई आई ओ यू, ये तो बोलते हम तो एक साथ रहेंगे, कुछ भी कर लो आप, अब जो बच गए उनको लिख दो, कौन कौन बच गए, एक दो तीन चार पांच छह एक साथ,
बताओ पी बचेगा, आर बचेगा, एम बचेगा, टी टी एंड एस, टोटल वेज या टोटल मास। इफ ऑल वॉवेल्स आर कम्स टुगेदर, हिंदी में बोलते हैं कुल शब्द यदि सभी सभी स्वर साथ साथ हो, सभी स्वर साथ साथ हो तो कितनी हो जाएगी बच्चों, यहां से हो जाएगी, देखिए मजा आने वाला है। आपको पता चल गया कि एक दो तीन चार पांच छह सात, नहीं इसको पूरे को मानना पड़ेगा, पूरे को एक मानना पड़ेगा, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, टोटल आठ, टी टी टू। लेकिन इनका ऑर्डर भी तो चेंज हो सकता है, ये बोले मैं यहाँ आ जाऊंगी, यहाँ आ जाऊंगी, ये बोले कि इनका कहीं भी नीचे फैक्टोरियल ठीक है, इसको आप ही सोल्व करना, आप ही कैलकुलस में बहुत होशियार हूँ, मैं तो नहीं हूँ होशियार, इसको सोल्व करूंगा आपके लिए, समझ में आ गया होगा बस। हाँ देखो दीक्षा राजा मॉडल्स का होशियार है कैलकुलस में, बहुत बढ़िया बेटा। इसको रफ करो, क्या मैं रफ कर सकता हूँ इसको, फिर प्रॉब्लम मिलेंगे। देखो आगे क्या करेंगे आप, बताओ लास्ट वाला, अब की बार क्या बोल रहा है कि पी और एस के बीच में कितने होने चाहिए, चार होने चाहिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया मामला, पी और एस के बीच में चार होने चाहिए, ओके देखते हैं। मान लो कि यहां है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, ये बताता हूँ आपको कैसे। अगर आपने पी को यहाँ लिख दिया, एक दो तीन चार जगह छोटी पी ऐसे आ सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है, एस यहाँ जाए पी यहाँ जाए, एक तरीका भी हो गया, समझाना पड़ेगा मेरे को पहले, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह हो गया। अगर पी यहाँ हो गया, एक दो तीन चार ऐसे यहाँ आ सकता है, आ सकता है, और क्या हो सकता है, देखो अपने ऐसे करते हैं, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, थोड़ा अपना जुगाड़ लगाना पड़ेगा अपने को। अगर मान लो ऐसा केस हो गया, मान लो बात दी एक दो तीन, देखो इसका फिक्स हो गया, इसका इसका फिक्स हो चुका है, इसका फिक्स हो चुका है, अब कितने बचे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस बच गए। देखिए मैं आंसर निकालने का तरीका बताता हूँ आपको, कैलकुलेटर टाइम पर पूरा हो गया, दो से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा कि डबल डी आ रहा था। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है सर कि आपने ऐसा लिखा, देखिए और पी और एस उल्टे सुल्टे भी हो सकते हैं, उल्टे तरीके कितने होंगे, आई थिंक दो होंगे, फैक्टोरियल तो नहीं होंगे, दो होंगे,
फैक्टोरियल दो नहीं होगी, और वैसे फैक्टोरियल दो तो भी दो आने वाला है। दो क्यों बता रहा हूँ, एक तरीका ये होगा एक दूसरा हो सकता है, ठीक है। ऐसे कितने केस बन सकते हैं, एक केस पर ये बना, दूसरा ये बनेगा, तीसरा कहाँ करेगा जब ये यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, चौथा कौन सा बनेगा जब ये यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, बनेगा नहीं बनेगा। पांचवा कौन सा बनेगा कि यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। छठा ये बनेगा कि यहाँ आ जाए और यहाँ आ जाए, ये बनेगा नहीं बनेगा। सातवा कौन सा आ जाए कि यहाँ आ जाए और ये यहाँ आ जाए, कितने केस बनेंगे नहीं बनेंगे, यानी कि कितने केस बने, एक ये बना, दो तीन चार पांच छह सात केस बने, तो इसको सात से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना। अब चेक करते हैं आंसर क्या आने वाला है, अगर इसको आंसर को चेक करिए तो देखिए दो से दो तो कट गया, आंसर कितना आया, आंसर वही आंसर कितना आया, इसका भी डेंजर आ रहा है क्या, सोल करके देखिए इसका डेंजर कितना आ रहा है, दस नौ आठ सात छह तक ओपन कर लेंगे, ये तो 720 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा। मैं चेक करता हूँ ये आंसर आ रहा है क्या, इस तरह से इस तरीके से सात सौ बीस नब्बे छप्पन एंड सात, क्या आंसर आ रहा है, 25 40 16 डबल जीरो, वही बोला था मैंने, कितना आंसर आ रहा है 25 40, समझ में आ गया होगा बच्चों आपके क्यों आया ऐसा, आप ऐसे सात बार बना सकते हो, समझने के हिसाब से कितनी बार बना सकते हो, सात बार, ठीक है। यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि ये P और S आया आपका, ये एक पोजीशन हुई है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ पे कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 अपॉन 2 तो आएगा, और मैंने 2 से 2 मल्टीप्लाई किया कि P और S की पोजीशन में चेंज कर सकता हूँ, और मैं ये 7 को लिखा, मैंने कि 7 ऐसे केस P यहाँ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, जिस पोजीशन पे पी आएगा तो ऐसे आएगा, पी आएगा तो ऐसे आएगा, पी आएगा तो ऐसे आएगा, ऐसे आएंगे, तो ये आपके पास 7, इसको सोल्व करने के बाद आ रहा है 25, अभी आया था कितना आएगा, 25 40 16 00, दिस इज द आंसर, यस और नो में कमेंट कर दो, बात समझ में आई नहीं है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन। ओके ओके, एक क्वेश्चन और बच गया, पांचवा वो अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।